नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। हाथ के लिए विफल, कमल के लिए कमाल, विपक्ष के लिए झूठ का पुलिंदा, सरकार के लिए बेमिसाल। जी हां, कुछ कुछ ऐसा ही रहा आज देश का बजट। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण से पहले अपने बयान में कहा था कि ऐसा बजट 100 सालों में भी पेश नहीं हुआ होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ना तो बजट में हर तबके हर वर्ग को खुश करने की कोशिश हुई और ना ही आम जनता को बहुत कड़वी दवा पिलाई गई। हाँ, जिन राज्यों में चुनाव है उन पर वित्त मंत्री मेहरबान दिखाई दी। बजट में सरकार का फोकस किसान और स्वास्थ्य पर जरूर नजर आया, लेकिन एमएसपी पर कोई वादा नहीं किया गया। वहीं टैक्स स्लैब में बदलाव ना होने से आयकर दाता खासे खफा नजर आ रहे हैं। निवेश और विनिवेश नीति को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सीएम गहलोत ने बजट को निराशाजनक करार दिया है, तो वहीं पीएम मोदी ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बताया है। ऐसे में उठता है सवाल कि किसके लिए आफत, किसके लिए सौगात, किसके लिए निर्मल, किसके लिए आघात। बजट ने किसको किया निराश और किस पर खुशियों की बरसात। बिग फाइट में बहस आज जिसे हम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता रफीक खान जी हैं, बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी साथ हैं, उद्योगपति अनिल साबू जी भी शामिल हुए इस चर्चा में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश सिंघवी जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आप सभी का बिग फाइट लाइव में, क्योंकि आज का दिन पूरा दिन बजट के नाम ही रहा है और अब हम उसके हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मिला जुला असर तो नजर आ रहा है। शुरुआत रफीक जी आपसे ही करते हैं। देखिए, बहुत सारी अच्छाई, बहुत सारी बुराई, कमियां, खामियां, गुड़, सब कुछ सुने गए दिन भर आज, जिस तरह से चर्चा रही और रिएक्शंस भी आते रहे, लेकिन आपकी नजर में और कहें तो कांग्रेस की नजर में क्या था बजट? अच्छाई तो कहीं दिखाई नहीं दी। बुराई और खामियों पे चर्चा करेंगे तो शायद महीनों लग जाएंगे। बजट राजस्थान से ऐसी क्या गलती हुई? राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद दिए और इन्होंने राजस्थान का रह भी बजट में नहीं लिखा, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बात कहीं कुछ नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ देश में कांग्रेस का राज्य है या भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं है, वहाँ इन्होंने कुछ देने की कोशिश नहीं की। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जैसे चुनावी बजट देते हैं कि किस तरीके से जनता को प्रलोभन दिया जाए, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, वो उस बात पर ध्यान रखा। एक बात पर ज़रूर बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पहले एक एड आता था आप ही के टीवी पे ओएलएक्स का, और दो जने आते, एक बाबा बोलता बेच दूं, दूसरा कहता बेच दे बॉस, और उसी तर्ज पे इन्होंने 6-7 उपक्रम बेचने की जरूर घोषणा की है। कांग्रेस ने अपना एक किसी एक परिवार का और एक का फैमिली का एक, जब नींव खड़ी होती है तो उसकी एक जनरेशन उसको स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगती है, तो कांग्रेस पार्टी ने देश निर्माण का काम किया और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। ये बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, दोनों देश साथ साथ आजाद हुए, आज पाकिस्तान की क्या पोजीशन है और हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है पूरी दुनिया को मालूम है, और किसकी वजह से है, कांग्रेस पार्टी ने क्या डेवलपमेंट किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, किसकी वजह से सारी दुनिया समझ रही है। अब ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बजट में जो बात दिख रही है वो यही दिख रही है कि कैसे ये बंदरगाह बेचें, कैसे एयरलाइन बेचें, कैसे रेल बेचें। इनका काम टारगेट ये है कि गवर्नमेंट की कंपनियां जिनको कांग्रेस ने बहुत खून पसीने से खड़ा किया देश के लिए, उनको बेचने में लगे हुए हैं। आम आदमी को राहत नहीं दी गई, किसानों को राहत नहीं दी गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ है, एमएसएमई इंडस्ट्री मरी हुई है, पूरी इंडस्ट्री का बिल्कुल ऑक्सीजन निकली हुई है, न कोई इंडस्ट्री को राहत, न कोई एमएसएमई को राहत, न कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम, न कोई किसानों का काम, तो एक झूठ का पुलिंदा और खाली एक छलावा। किसी वर्ग को कोई राहत नहीं है। रफीक जी, आप और ये बात खास तौर से मैं यहाँ राजस्थान में जयपुर में कैपिटल में बैठा हूँ, राजस्थान ने जिसने इनको 25 में से 25 सांसद दिए, उसमें राजस्थान का रह नहीं लिख पाए बजट में, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे निराशाजनक कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये बजट था। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामलाल जी, अभी आपने सुना कि रफीक जी ने क्या कहा, निराशाजनक बजट है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि हताशा हाथ लगी है, उम्मीदों पर खरा उतरा नहीं है ये बजट। राजस्थान को और दूसरे राज्यों को भी उम्मीदें थी, वो सब कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी के दिग्गज सभी कह रहे हैं कि ऐसा बजट नहीं आ सकता था। जैसी स्थिति थी महामारी के बाद, ये बजट लाया गया है, हर वर्ग को कवर करने की कोशिश की गई है। क्या आप मानते हैं कि वाकई में जो वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, वो सार्थक, सफल, बैलेंस्ड बजट था आज के दौर में? और आरोपों को लेकर क्या कहेंगे जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए? 25 में से 25 सांसद दिए,
राजस्थान ने। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि रफीक भाई अगर बजट को पूरा पढ़ लेते या सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था अगर उसको टीवी के ऊपर ध्यान से देख लेते तो इनको पता रहता कि बजट के अंदर क्या मिला है क्या नहीं मिला है। जिस एमएसएमई की बात कर रहे थे तो उसके अंदर भी करोड़ों रुपए इस बजट के अंदर घोषणा की गई है, उसके लिए करेंगे कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात मैं करूंगा रफीक भाई, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, आने वाला बजट आपका भी हम देखेंगे। जूट के पुलिंदे के ऊपर सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे देख घोषणा करके चले गए और कई वर्ष बीत चुके उन प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम भी नहीं किया। श्वेता जी, जिस परिस्थितियों के अंदर ये बजट पेश किया गया है, सारी बात आपको ये बताया कि 20 लाख करोड़ से अधिक का पैसा आत्मनिर्भर भारत के तहत खर्च किया गया था और आज जिस तरीके से बजट पेश किया गया है उसके अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रशासन इस बात की खुशी है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बजट के अंदर घोषणा की गई है सभी ने उसकी तारीफ की है। वैक्सीनेशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, वो भी रफीक भाई को दिखाई नहीं देती है। 94,000 करोड़ रुपए से लेकर 2,38,000 करोड़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट की घोषणा की गई है वो भी रफीक भाई को ध्यान में नहीं आता। एक बात ये करें कि राजस्थान को कुछ नहीं मिला। रफीक भाई, ये भारत का बजट है, ये राजस्थान का बजट नहीं है। राजस्थान का बजट तो आप पेश करोगे, राजस्थान का हिस्सा नहीं है। भारत के बजट में राजस्थान, भारत का बजट, राजस्थान भारत से बाहर है। सभी सेक्टरों के अंदर राजस्थान भारत में नहीं है। क्या बातें कर रहे हो यार, भारत का बजट है। पानी के क्षेत्र के अंदर हो तो ये पूरा बजट भारत का है। अब आप जेब मेटने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप 50 साल से अधिक वर्षों तक शासन कर गए होते और आप उन राज्यों का भला पहले करते थे जिन क्षेत्रों के अंदर आज विकास की आवश्यकता है। रामलाल जी, रामलाल जी, देखिए रामलाल जी, एक इस लिहाज से देखिए, सवाल इस लिहाज से उठ रहा है रामलाल जी, बिल्कुल आपने कहा कि ये भारत का बजट है, किसी राज्य का बजट नहीं है, लेकिन जब राज्यों को जरूरत होती है तो केंद्र की तरफ देखती है और ऐसे में राज्यों को उम्मीद थी कि केंद्र से कुछ मिल जाए, इस लिहाज से भी कह सकते हैं। इसलिए आज क्योंकि देखिए जो जो जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वहां पर अच्छा फोकस रखा गया है, फिर वो चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो या पश्चिम बंगाल हो, इस लिहाज से भी सवाल उठ रहे हैं। रामलाल, आप जैसे लोग बाग राजस्थान के लिए बैठे हो, आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए, आप बोलते नहीं हो, आपके एनजीओ को फंड मांगना चाहिए राजस्थान के लिए, आपका मोरल दायित्व है, आप लोग राजस्थान से जीत के गए हो। ठीक है रामलाल, राजस्थान से जीत के गए हो, उन राज्यों का विकास करना बहुत जरूरी था। पे भी बड़ा स्पष्टीकरण डाल दो, देश नहीं बिकने दूंगा और सब बेच रहे हो, देश नहीं बिकने दूंगा और सब बेच रहे हो, सारी चीजें बेचने में लगे हो। प्रोफेसर एंटी बाथुर सर, अर्थशास्त्र आप लोगों ने की थी। चलिए ठीक है, ठीक है रामलाल जी, वापस सर आपके पास लौटे करने की किसने खड़े किए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी ये सब जानते हैं, देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें पहले से जारी थी, कोविड महामारी के से भी पहले से। इसके बाद ये कोविड की मार आ गई, इसके बाद अब उससे निकलने की कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जाने लगी, वैक्सीनेशन, वैक्सीन पूरा साल कैसे गया सब जानते हैं। ये बजट जो आज पेश हुआ है, क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक अच्छी कोशिश है या फिर जिन चीजों पर फोकस होना चाहिए था वो नजर नहीं आया, कैसे देखते हैं? श्वेता जी देखिए, हम बजट का आकलन किस तरह से करते हैं और किस नजरिए से करते हैं इस पर निर्भर करता है, और हर बजट सबको खुश करने वाला हो, सबको सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए फायदेमंद हो, ये हर समय ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम पेंडेमिक से गुजरे हैं और पेंडेमिक के दौरान जो समस्याएं आई हैं उनसे उभरना है, तो बजट के लिए जो आवश्यक था वो ये था कि वो एक्सपेंशनरी बजट हो जो इसमें नज़र आता है, ग्रोथ सेंट्रिक बजट हो जैसा इसमें नज़र आता है, तो एक विस्तारवादी बजट की आवश्यकता थी। इस समय सबके लिए सोप्स देने का काम करना जरूरी नहीं था कि डायरेक्ट टैक्स के भी सोप्स दिए जाएँ या राज्यों को भी सोप्स दिए जाएँ, इस समय जरूरी ये था कि बैड इकोनॉमिक्स या सबको खुश करके बैड इकोनॉमिक्स लाना या गुड इकोनॉमिक्स एंड बैड गवर्नेंस, तो कुल मिलाकर के गवर्नेंस तभी दी जा सकती है जब गुड इकोनॉमिक्स की जाए, और गुड इकोनॉमिक्स के रूप में इसमें एलोकेशंस भी हैं, ये ग्रोथ सेंट्रिक भी है, विस्तारवादी भी है, और डिसइन्वेस्टमेंट की बात अभी जो है रफीक साहब भी कर रहे थे, कब नहीं बेचने का काम कब नहीं हुआ है, किस सरकार में नहीं हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया, तो 91 से चल रही है और लगातार चल रही है, तो बेचने का काम सिर्फ इसी वक्त हो रहा हो ये आवश्यक नहीं है। दो बैंकों को बेचने की बात है इसमें,
जो शायद पहली बार हो रहा हो, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया तो चालू है, बैंकों की है, कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि आज के बाजार को देखा जाए, स्टॉक मार्केट को देखा जाए, तो भी स्टॉक मार्केट नीचे नहीं आया, डिप्रेस नहीं है, खुशनुमा माहौल है, और जितने भी एनालिस्ट हैं स्टॉक मार्केट के या इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब ने इसको, उन सब ने इसको बढ़ गया 10 में से closer to 8-9 मार्क्स दिए हैं सारे एनालिस्ट ने, ना कि 5-6 नंबर दिए हों, तो इसलिए इट इज क्लोजर टू ए सक्सेसफुल बजट। इसको इस लिहाज से समझना चाहिए कि अगर अभी मौजूदा हालात में नहीं दिख रहा, लेकिन विजन क्लियर है और उस लिहाज से विजन इज वेरी क्लियर एंड मैसिव वैक्सीनेशन 35,000 करोड़ का एलोकेशन है उसके लिए, देन मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है, और स्पेशली एजुकेशन पर जो खर्चा किया जाएगा या हेल्थ पर जो खर्चा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा किया जाएगा, डेफिनेटली इट विल गिव ए बूस्ट टू इकॉनमी। लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में ये भी कहूंगा कि इट मे बी इन्फ्लेशनरी ऑल्सो, क्योंकि जो नोट छापे जाएंगे, जो बारोइंग ली जाएगी, क्योंकि 36% खर्चा सिर्फ बारोइंग पर है, ये इट मे प्रूव टू बी डिजास्ट्रियस, इट मे bring country in vortex of debt, it may be disastrous, but हमें बड़ा कंट्रोल रहना पड़ेगा कि अब ये बजट को हम ज्यादा होलसेल प्राइस इंडेक्स या सीपीआई इंडेक्स पर नजर रखनी पड़ेगी, बड़े नहीं और इन्फ्लेशनरी ना हो। मैं जब यहाँ आके बैठा तो माथुर साहब से मैंने कहा कि मुड्डे रखे हुए हैं, इन्होंने कहा इस ऐसे बजट में तो मुड्डे ही आएंगे तो इससे पूरा सार आ जाता है बजट का। ठीक है बाबा सिंह जी, देखिए मुद्दों को लेकर बात, अब सबसे अहम कृषि को लेकर, कृषि को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, कृषि कानून को लेकर विरोध भी चल रहा है, और ऐसे में लग रहा था किसानों के हित में, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ अच्छा इसमें होगा। उस लिहाज से कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या वाकई में लगता है कि जो उम्मीदें थी वो पूरी होंगी, या फिर जो दिया जा रहा है वो अभी के हाल में इतना ही हो सकता है? किसानों को तो कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें, ना उन्होंने बताया एमएसपी पे जो खरीदारी होती है वो भी आपको पता 25% भी नहीं होती है, 75% मार्केट को ही बेचना पड़ता है, आम जो है किसान वो बाजार में बेचता है। अभी भी आपने देखा राजस्थान में बाजरे का क्या हाल रहा है, मूंगफली का अभी हालत है, अभी परसों में मंडी गया हूँ, वहाँ ना पूरी भरी पड़ी है, खरीदार नहीं है वहाँ पे अभी इसके मूंगफली के भी, वो तेल निकलने के लिए है। लेकिन आप देखिए फॉर्च्यून जो 70 रुपए में बिक रहा था अडानी का, वो 140 रुपए में एक लीटर बिकना शुरू हो गया है, सबसे बड़ा मुनाफा तो उसको हो रहा है। तेल पे 500 से 600 रुपए पर पीपे पे बढ़ चुके हैं इन दिनों के अंदर। अभी आप पेट्रोल और डीजल की महंगाई इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि इससे सब कुछ बढ़ जाता है। अभी ये कह रहा है सेस लगा दिया 4 रुपए डीजल पे, 2.5 रुपए उस पर, लेकिन ये नहीं लेंगे, 10 रुपए पहले आपने ले लिए कोरोना के वक्त में। आप एक तरफ कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम जोड़ रहे हैं, अरे भाई जब वहां पर इतना पैसा नहीं बढ़ रहा है तो आप क्यों बढ़ाए जा रहे हो? जब 130 डॉलर पे था तब पेट्रोल 70 रुपए में बेच रहे थे मनमोहन सिंह, यहां पर 35 डॉलर में है तो ये 90-100 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये क्या देश को कर रहे हैं? आज सारा का सारा अभी अर्थशास्त्री जी बोल रहे हैं कि क्या नहीं बेच रहे, बंदरगाह बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे। अभी जयपुर के एयरपोर्ट के ऊपर जो टीम आई अडानी की, वो देख के हैरत अंगेज हो गई कि इतना बढ़िया एयरपोर्ट है, इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, उसके बाद भी ये भारत सरकार बेच रही है इसको अडानी, उनको बोलना पड़ा इतना बेटर मैनेजमेंट, इतना बढ़िया एयरपोर्ट है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो दलाली कर रहे हैं ना, हमारे जो खून पसीने की कमाई भारतवासियों ने 70 साल में सरकार के जरिए तैयार की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसमें इन्होंने बनाया क्या है? ये वो बेटा है घर का जो बाप की संपत्तियों को जोड़ी हुई को सबको बेच के और बर्बाद कर रहा घर को। अरे आप बनाइए, बनाया गया एक मूर्ति बनाइए 3,000 करोड़ की खाली, और क्या बना दिया बाकी तो बेचने में, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं कहता हूँ अडानी को दे दो ना फिर देश ही, उसको प्रधानमंत्री बना दो, वो जला देगा इससे बढ़िया। पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया उन्होंने, रेलवे को बेच रहे हैं, ये जो है रामलाल जी इसका इसका बिल्कुल आज ये बीपीसीएल को बेच रहे, रामलाल जी क्या बेच रहे हैं, रामलाल जी बेच रहे हैं। ठीक है आप देखिए ये एफडीआई के लिए हमने 2 दिन इसी बीजेपी के साथ भारत बंद किया। ठीक है बाबा जी आपने आपने बहुत से सवाल उठाए, जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी लेते हैं सर, जवाब भी लेते हैं। एफडीआई के खिलाफ ही नहीं बीजेपी वालों के साथ 2 दिन भारत में क्या कर रहा हूँ, आइए पूरे में एफडीआई लागू कर रहे हैं आपके आप जो बोलते हो उसको हमेशा उल्टा करते हैं, विरोध करते हो, विरोध करते हो हर चीज का। ठीक है रामलाल जी, रामलाल बंद किया, रामलाल जी जवाब सुनिए, भंवर जी, भंवर जी, भंवर जी, भंवर जी, भंवर जी
भाई आपने आपने बहुत सारे सवाल उठाए, जवाब भी ले लेते ना सर, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, रामलाल जी इसका जवाब सर, प्रक्रिया एफडीआई को बढ़ाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? अरे आप जल्दी सुनो जी, इतना तेजी से नहीं बेच रहे हमने, जितना ये बेच रहे। ठीक है रामलाल जी, इसका जवाब सर, इसके जमाने में दो कंपनी बिकी थी, 13 बेच दी लोगों ने, फिर इसके बाद सवाल, और निजीकरण की प्रक्रिया के अंदर एक होता है कि बेचना और एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेना। जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेके कोई ना किसी न किसी चीज को संचालित करने का काम कोई एजेंसी या कोई कंपनी कर रही है, उसको बेचने के लिए रामलाल जी, अरे भवर सिंह जी बिल्कुल ठीक है, आपने मुद्दे उठाए सर तो जवाब भी लेते हैं ना, सिर्फ सवाल ही करते रहेंगे तो कैसे उसे जवाब लेंगे? रामलाल जी ठीक है आप जवाब दीजिए, लेकिन एक एक सवाल ये भी है कि देखिए अगर हर चीज आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, सवाल इनका ये है, पहले रामलाल जी सुनिए पहले, एयरपोर्ट की बात हो, बंदरगाह की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, क्या सरकार संभाल नहीं पा रही है या फिर कुछ और विजन है? आप वो क्लियर कर दीजिए, सवाल का जवाब मिल जाएगा रामलाल जी। श्वेता जी मेरी बात सुनिए, श्वेता जी क्या एयर इंडिया की इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे संसाधन लगा कर भी वो वर्तमान के अंदर जो हवाई यात्रा है वो सुविधा दे सकती है क्या? अगर प्राइवेटलाइजेशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो एयर इंडिया जो चाहेगी वो, मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर निजीकरण बहुत आवश्यक है, निजीकरण की वजह से कंपटीशन होगा, कंपटीशन की वजह से सुविधाएं मिलेगी और आम जन को राहत मिलेगी, अवसर बढ़ेंगे, और निजीकरण पहली बार तो नहीं हो रहा है, निजीकरण तो नरसिंह राव जी की सरकार के समय से शुरू हुआ था और उसके बाद जो भी सरकार है वो सारी सरकार करती है। ठीक है, रामलाल जी का कहना ये है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ये इनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप देखो भारत में लोगों की उम्र है 69 साल, वापस आ रही है जीने की 69 साल या 75 साल बाद मरने के बाद टैक्स छूट देंगे उनको। अनिल साहब ठीक है, भारत में अनिल साहब जी उद्योगपति, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत कुछ दिया गया, उद्योगों को लेकर बात की जाए कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन छोटे और मझले जो उद्योग है वो खत्म होते जा रहे हैं, अगर इस महामारी के बाद भी देखा जाए, क्या उस लिहाज से इस बजट में आपको नजर आता है प्लस या फिर कोई कम? बबर जी सुनिए। हाँ देखिए, मैं इलेक्ट्रिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं प्रेसिडेंट हूं इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ईमा, जहां की हमारे 900 मेंबर्स हैं, ईबीबी, एलएनटी, सीमेंस, ये सब हमारे मेंबर्स हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कोई भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पावर, पावर एंड मैन पावर, ये दोनों पावर इम्पॉर्टेंट हैं। तो जहाँ तक पावर की बात है, हमारे यहाँ जो इस बजट में करीबन इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, पावर सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को रिफॉर्म्स लाने के लिए, जिसमें नेट मीटरिंग, एडिशन ऑफ फीडर्स और ये सब ऐड होंगे, क्योंकि अभी जैसे राजस्थान में भी है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, उससे लॉसेज होते हैं, क्वालिटी पावर हर जगह ज़रूरी है, आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, जब तक क्वालिटी पावर नहीं आएंगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट में जो इन्होंने पर्टिकुलरली, मैं पावर सेक्टर की बात करूँगा, जो प्रोविज़न रखे हैं बहुत अच्छे प्रोविज़न रखे हैं, जिससे कि ये कम से कम लॉसेज कम होंगे और हम सबको, आम आदमी को, कंज्यूमर को इसके फ़ायदा होगा। एक और सवाल मेरा आपसे, सोलर इन्वर्टर पर 20% ड्यूटी बढ़ा दी है, तो इससे क्या पावर को फायदा होगा? पूरी दुनिया सोलर पे जा रही है और ये 20% ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर इसका मतलब क्या है, क्या होगा जनता को इससे फायदा? कंटेंट पे बात करें, मतलब इस तरह से बात है, बिजली बिजली को सस्ता किया गया इसमें, अब आप तो क्या सरकार के प्रतिनिधि बोल नहीं सकते ना इसके खिलाफ, बोलोगे तो कल शायद नौकरी चली जाए। सरकार की बात, यहाँ तो जो बोल रहे हैं पत्रकार वो जेल जा रहे हैं भाई साहब, हालत ये हो रही है देश में, हालत ये है कि पत्रकार अगर सच्चाई दिखा दे तो वो जेल जाएगा, हालत ये बन गई देश में। लेकिन लेकिन भवन से चर्चा तो करना पड़ेगा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बोलना पड़ेगा। 20% ड्यूटी बढ़ाई है, ये बताएं कि साहब क्या फायदा होगा इससे?
देखिए ऐसा है कि बजट जो है वो बिल्कुल निराशाजनक है। आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें। अरे भाई साहब मैं बजट सुना दो घंटे आपका मंत्री का, मैं आपकी तरह घर पे सोया नहीं, बातें करने टीवी पे नहीं आता हूँ, मैं पहले सुनता हूँ पूरा लिखा हुआ एक चीज़ चर्चा करेंगे ना, ऐसे झगड़ा करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, सवाल होगा तो जवाब लेते हैं, जवाब जो जितना दे सकेगा वो जवाब देगा। चाहिए था खुल के हर कोई बोल भी नहीं पाता, टीवी के सामने खुलकर हर कोई बोल भी नहीं पाता। आप बोल रहे भंवर सिंह जी, जैसा कि आपने कहा ठीक है खुलकर नहीं बोल पाता, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि ईमानदारी से जवाब सामने आए। कोशिश ये हम भी कर रहे हैं, सवाल आप भी कर रहे हो, जवाब हम ले रहे हैं, लेकिन मौका सबको ठीक है। रजनीश जी सर, हर बार हम बजट को लेकर बात करते हैं और एक अहम चीज होती है आम आदमी के लिए कि टैक्स स्लैब कैसा होगा, टैक्स में क्या होता है, आखिरी में इसी का अनाउंसमेंट होता है, आज वो नहीं था। और जैसा कि अभी सर भी कह रहे थे कि बिल्कुल हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, कभी कई बार दूर विजन भी देखा जाता है कि उस लिहाज से कैसा बजट, लेकिन क्या इस बजट को आम आदमी का बजट कहेंगे? अभी बहुत हाई डेसिबल पे बहस हो रही है, उसमें हमेशा जो मिडिल पर्सन होता है, जो एक एक्सट्रीम पोलर है जो कि एकदम पॉजिटिव बोल रहा है, एक बोल रहा है नेगेटिव, और इसमें जो मिडिल लेवल है वो हमेशा सैंडविच होता है, क्योंकि जब इतना हाई डेसिबल पे डिस्कशन होता है तो मिडिल पर्सन की बात सुनने में नहीं आती है। और यही पर्टिकुलर पोजीशन एक्चुअल इकोनॉमी में और इंडस्ट्री में भी हो रही है। जो हाई लेवल पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल, स्टॉक एक्सचेंज में भी उनकी परफॉर्मेंस बराबर रिपोर्ट होती है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे कैन इन्फ्लुएंस द थिंग्स, दे हैव द एफिशिएंट सिस्टम्स। दूसरी तरफ एकदम कॉमन जो है अपने एग्रीकल्चर वाले और पुअर पीपल, जिनके लिए खूब सारे बेनिफिट्स डोल आउट किए जाते हैं, और मिडिल लेवल पे इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सैलरीड क्लास, ये लोग जरूर फील कर रहे हैं कि उनको नहीं मिला। दे ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, पेंडेमिक ने काफ़ी अच्छी मतलब हिट दी है अपनी इकोनॉमी को। तो कहते हैं कि अनयूजुअल टाइम्स रिक्वायर द अनयूजुअल मेजर्स, वो आए क्या? नहीं। यदि मैं पुराने बजट से इस बजट को देखूं, मैं 30 साल से बराबर बजट सुन रहा हूं, हमेशा किसी को एलोकेशन बढ़ा, किसी को एलोकेशन घटा, कुछ टैक्सेज बढ़ाए, कुछ टैक्सेज कम किए, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, इस बार कुछ नहीं हुआ जी। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, पेंडेमिक के हिसाब से वो अनयूजुअल मेजर्स जिसकी सबको एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कभी बजट पहले नहीं आया, एंड देन अब मैं इनकम टैक्स पे आता हूँ। इनकम टैक्स पे यस डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स वर एक्सपेक्टेड, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉमन पर्सन ने बहुत बड़ा हिट लिया है, सबकी सैलरीज में हिट आया है, सारी इनकम्स में हिट आया है। किसी भी MSME कंपनी को उठा के देख लीजिए, बैरिंग ए फ्यू, ज्यादातर लोगों ने पॉसिबल था कुछ किया जा सकता था इसमें, ऐसा तो नहीं कि बहुत किया जा सकता था। आप वन टाइम मेजर के हिसाब से एक मेजर रिलीफ देते, जब स्टिमुलस चेक US से लेके ब्रिटेन से लेके हर एक कंट्री बांट रही है, तो आप स्टिमुलस चेक मत दो, टैक्स पे बेनिफिट एक वन टाइम मेजर के हिसाब से दे दो, एटलीस्ट दैट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है मात्र सर, इस पर कुछ कह रहे पॉसिबल पॉसिबल सब था, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी करने के साइड इफेक्ट होते हैं, एंड देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ एवरी स्टेप इन द इकोनॉमी, एनी इकोनॉमिक मेजर यू टेक देयर इज अ साइड इफेक्ट। अगर आप सबको खुश करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट है, आप इनकम टैक्स पर रिलीफ देते हैं तो आप 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए नहीं एलोकेट कर सकते। इसमें मेरा एक ही कहना है, देखना प्रायोरिटीज क्या है, मेरा एक ही कहना है कि और प्राथमिकताओं से क्या होता है, एलोकेशन क्या होगा। यू कैन नॉट से कि आप वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ नहीं दे सकते थे। पेंडेमिक के लिए आपको पेंडेमिक की व्यवस्था तो तुरंत ही करनी पड़ेगी, उसके लिए आप किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकते। और उसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी स्टेट और कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके खिलाफ नहीं है, उसके फेवर में है कि कोई भी पेंडेमिक अगर ऐसा एक दौर वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सारे काम करने चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए थी। इस ये पूरा एक साल कोरोना जैसी महामारी में गुजर गया, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी वो मजदूरों पर पड़ी, मजदूरियां नहीं रही, नौकरियां चली गई, MSME सेक्टर पर रही, MSME सेक्टर बंद हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर को ही आप फिर से नवाज रहे हो, आपने फिर से कोई ध्यान नहीं दिया। किसी भी कंट्री की GDP, किसी भी कंट्री की ग्रोथ, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ MSME सेक्टर पे डिपेंड करती है, कि उसका छोटी और मिडिल इंडस्ट्री कैसे रन करती है। आपने उद्योगों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट रेट पर रियायत नहीं दी गई, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम नहीं किया गया। ऐसे समय में जब पूरी आज़ादी से लेकर आज तक अनएम्प्लॉयमेंट पूरे चरम सीमा पर आ गया,
उस वक्त आपने बजट दिया और अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात ही नहीं करी आपने। आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट माथुर सर ये तो जरूरी था क्योंकि ये इस बार जो बजट में हम ठीक है 11 बजे तो पेश हो गया लेकिन इससे पहले जब बातचीत भी हो रही थी और वापस बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा था कि हर हाथ को रोजगार होना चाहिए कैसे अगर हाथ में रोजगार होगा अर्निंग होगी सरकार को इसके लिए कुछ कर रहे हैं ये तो उम्मीदों पे आता है इसके लिए कैसे होगा। डेफिनेटली इस समय स्थिति पेंडेमिक ईयर में रोजगार गए हैं पूरा टाइम आदमियों के लिए लेकिन एमएसएमई सेक्टर में इसके लिए एलोकेशन पहले ही कर दिए गए थे जब 20 लाख रुपए करोड़ का पैकेज दिया गया था प्लस आज जो कॉन्सेप्ट ऑफ वन मैन कंपनी का है उसे स्टार्टअप्स को मातृ साहब सर देखिए बिल्कुल एमएसएमई का आपने जिक्र किया लेकिन अभी जो महामारी के बाद स्थिति रफीक जी वो 12-13 लाख करोड़ शामिल थे जो पहले अनाउंस कर दिए थे लेकिन बात यहां पर सैलरी क्लास की भी हो रही है रोजगार जो थे इस महामारी के दौरान किस तरह से रोजगार गए वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा सैलरी आधी हो गई कहीं पर नौकरियां ज्यादातर गई हैं तो कहीं पर सैलरी कम ये कैसे मैं सामने आपके टीवी चैनल का बिल्कुल हर सेक्टर का ये हाल था हर जगह का फिर ये कैसे ट्रैक पर आएगा पूरे देश में 2015 में जो सैलरी थी ना लोगों की वो 2020 में 15 से कम हो गई है ये हालत कुछ ही कह रहे हैं बड़ी नहीं है बड़ी नहीं है पैसा एलोकेट किया है और रोजगार के अवसर बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो एलोकेशन है हेल्थ पर जो एलोकेशन है उससे क्रिएटिव रोजगार बढ़ेगा रोजगार ठीक है इस पर हम बात करेंगे क्योंकि जैसे ब्रेक में जाने सर ठीक है वो भी था लेकिन सवाल यही उठता है कि हाँ जो हालात अब हो गए हैं सबसे पहले लोगों को यही उम्मीद है जेब में पैसा होगा तो दुनिया अच्छी लगती है सब कुछ काम होते हैं लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो सिर्फ स्ट्रेस होता है और फिर इसके बाद अगर कुछ अच्छा भी होता है तो वो बुरा ही नजर आता है और ऐसे में जो बजट में दिया गया है क्या वो बिल्कुल ठीक है कहा जा रहा है कि बैलेंस है इतना ही किया जा सकता था आगे विजन क्लियर करना है लेकिन रोजगार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हाथ में आएगा दूसरे सेक्टर्स को लेकर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुकेंगे ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बिग फाइट लाइव में। तो बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद उसका पोस्टमार्टम भी जरूरी है कि जो मिला है क्या वो सफिशिएंट है उसकी जरूरत थी और जो नहीं मिला है उसे प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिया गया या जो बजट पेश किया गया वो बैलेंस था अभी मौजूदा वक्त में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे प्रायोरिटी में रखा जा सकता था लेकिन रखा नहीं गया और इसी पर चर्चा लगातार हमारे साथ जारी है बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। फतेह सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता फतेहजीत सिंह जी स्वागत है आपका लेकिन सर अहम सवाल ये कि देखिए हर सेक्टर को छूने की कोशिश है स्वास्थ्य में पूरा फोकस रहा है और तभी 137% का इजाफा इस सेक्टर में किया गया है वो जरूरी भी था कोविड महामारी के बाद लेकिन रोजगार को लेकर बार बार सवाल है रोजगार कैसे होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा रहा है हर एक सेक्टर पर दिया जा रहा है लेकिन डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हाँ हर हाथ को रोजगार मिल सकेगा। देखिए श्वेता जी मैं माफी चाहता हूं मैं थोड़ा देर से जुड़ चुका जी पर आप देखिए जो 2020 कोरोना काल में गुजरा और लगभग 10 महीने हम इस कोरोना काल से जूझे उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने और हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने ये चिंता की कि हमारे एक एक नागरिक जो 135 करोड़ देश की जनसंख्या है उनके स्वास्थ्य की चिंता कैसे की जाए जिस बात को आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है 90 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य के बजट को बढ़ा के 237.846 करोड़ रुपये करना एक साफ साफ संदेश देता है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की हमारी वित्त मंत्री इस देश की जनता 2.24 करोड़ इस देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति 137% तो उसमें इजाफा है मानिए तो इसलिए आप देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस कार्यकाल को और इस समय को देखते हुए बहुत आवश्यक था कि देश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता हम कैसे कर सकते हैं। आप और सेक्टर देखिए उन्होंने 15-21 केंद्र ऐसे स्थापित किए जो इमरजेंसी स्वास्थ्य केंद्र की चिंता तो वाजिब है खाना तो देता माननीय विधायक महोदय थोड़ा सुन भी लीजिए आप मैं ये कह रहा हूँ इमरजेंसी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ कहीं कोई इमरजेंसी किसी भी जनता के साथ हुई तो उनको तुरंत कैसे स्वास्थ्य केंद्र तक भेजा जाए महिलाओं के प्रति आप देखिए युवाओं की शिक्षा और शिक्षा के साथ उनको रोजगार कैसे मिले ये व्यवस्था ये रोजगार इसी पे इंटरेस्ट करो आप ये रोजगार वाली रोजगार कैसे मिले वो बताओ बात वही आ जाती है देखिए बात वही आ जाती है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम ये चीजें करेंगे क्या दिया है ये बताओ जरा वो इनडायरेक्टली है बोल दिया नाम आपने कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले युवाओं को हम ऐसी शिक्षा क्या दिया युवाओं को हर उम्मीदों क्या बोले आप युवाओं के लिए क्या दिखाया गया है
सुबह से एक लाइन नहीं मिली है रोजगार के लिए, करेंगे एक सेंटेंस नहीं मिला है, बोल सके आप मतलब आत्मनिर्भर बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, रोजगार भी देगी सरकार, ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर ही जिनकी गई 27% वर्तमान में बेरोजगारी दर है। अभी माननीय कह रहे थे कि लोगों की सैलरी कम कर दी गई, आप देखिए इंडस्ट्रीज में देखिए छटनियां की गई, उसका कारण कोविड काल रहा। सरकार ने बताइए ना कि कौन से श्रमिक की, कौन से सेवाकर्मी की तनखा कम की, प्राइवेट सेक्टर ने किया होगा, सरकार ने कहा तो किया, जिम्मेदारी किसकी है, प्राइवेट सेक्टर आपका नहीं है, आप ही तो बढ़ा रहे हो उसको, आप ही तो उनके हवाले कर रहे हो देश को, सरकार की नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार मिनिमम वेज एक्ट लागू कर रही है, सुनिए मिनिमम वेज एक्ट 1800 पे बैठे, मिनिमम वेज एक्ट लागू कर रही है पूरे देश में कॉमन, कितना रुपए वेतन होगा, 192 रुपए, 192 रुपए में आप अपने बच्चे पाल लोगे, माँ बाप का इलाज करा लोगे, आप अपने पढ़ाई करवा लोगे बच्चों को, क्या कर लोगे, मकान ले लोगे, जयपुर में मकान नहीं मिलता 5000 रुपए में, और ये वेतन देंगे 6000 रुपए 30 दिन नौकरी करने पर, ये पूंजीपतियों के हक में 12 घंटे काम कर लेके आ रहे हैं, अभी 1 अप्रैल 2021 से बजट आ रहा है उसमें 12 घंटे करेंगे नौकरी, आपकी भी नौकरी होगी 12 घंटे, आप भी सोचोगे हम जल्दी चले जाएंगे, अब महिलाओं को भी कह दिया पूरी रात काम करो सुरक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ रोजगार के संदर्भ में, मीडिया में तो अलग रखे, मीडिया में तो ये पहले से ही लागू है, सुरक्षा तो आपको बता दी, मंदिर में बलात्कार हुआ तो बीजेपी नेता ने कहा कि वो अकेली मंदिर में क्यों गई, रात को ड्यूटी पे महिला आएगी तो कौन सा बॉडीगार्ड देंगे, कौन सा उसको सुरक्षा गार्ड देंगे, रोजगार के संदर्भ में इन्होंने बात कही, बिल्कुल ट्रैक से नहीं उतर रहे, रोजगार के संदर्भ में इन्होंने बात कही कि प्राइवेट सेक्टर में हुआ होगा, पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ, सरकार में नहीं हुआ, अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह नहीं है तो उसको जगह पर लाने का काम किसका है, रेगुलेटरी फोर्सेस के रूप में रेगुलेटरी एजेंसीज किसकी हैं, और रेगुलेटरी एजेंसीज क्या विजडम टूथ यूज करने के लिए है या बाइटिंग टीथ भी है या नहीं उनका, अगर इफ दे आर नॉट एट देयर प्लेस, देखिए ठीक माथुर साहब ठीक कह रहे हैं, माहौल अभी ये देखा गया, इट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्लेस देम एट देयर प्लेस, कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह की व्यवस्था इस देश को चलाने के लिए हो सकती थी सरकार ने उस तरह, ठीक है अनिल साहबू जी आप इत्तेफाक रखेंगे फतेह सिंह जी की बात से कि अभी मौजूदा स्थिति में जो हो सकता था वो किया गया इस बजट में, हम उम्मीदें लाख बहुत सारी करें लेकिन वो संभव नहीं था मौजूदा स्थिति के हिसाब से, क्या आप उस बात से एग्री कर रहे हैं? देखिए कोई भी चीज़ एक प्लान होता है उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उसी उसमें फ़र्क होता है, अभी जो हम देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में सबसे पहले ज़रूरत है डिमांड क्रिएट करना, आज हमारी MSME यूनिट हो किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो डिमांड के ऊपर ही चलेगा बिजनेस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और हर जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट ही लोग बाग अच्छे से ला सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ही अच्छे से कर सकती है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप से कई काम हो सकते हैं। देखिए साबू जी यानी आप ये मान रहे हैं कि मौजूदा स्थिति के साथ बजट ऐसा ही हो सकता था, आप ये मान रहे हैं साबू जी का एम्फेसाइज है वो पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट को लेके है, बजट है और पूरे इंडिया का बजट है जिसमें 137 करोड़ लोग रहते हैं, हर फील्ड पे ध्यान देना चाहिए था, खास तौर से जब इतने बड़े पैंडेमिक से हम गुजरे और बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा पहाड़ पूरी दुनिया के ऊपर टूट पड़ा, आज हम यहाँ चैनल पे बैठे हैं और आपके बहुत सारे वर्कर्स मेरे सामने हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि इनकी भी सैलरी पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा होगा इस पूरे पैंडेमिक में, किसी की सैलरी कम हुई होगी, किसी की कटी होगी, या मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं थे तो उन्होंने आधी सैलरी दी, किसी ने 25% दी, किसी ने 40% दी, और कुछ लोगों का बहुत ऐसा सॉफ्ट व्यू रहा तो भी उन्होंने कम करके और ये रखा कि भी स्टाफ हम रखेंगे, कुछ ने स्टाफ कम किए, तो ये बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा था, इसमें पूरा हिंदुस्तान का, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, पूरे हिंदुस्तान का आदमी बेरोजगारी के कगार पर पहुँच गया, एक साल घर बैठे खाया लोगों ने अपने उनके गुजारे के पैसे, तो बहुत बड़ा एम्फेसाइज करना चाहिए था रोजगार पे और MSME इंडस्ट्री पे, आगे का हम ये प्लान लेके आते कि कैसे हम इंडस्ट्री डेवलप करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि आम आदमी को रोजगार मिले, रेवेन्यू आती है, रेवेन्यू जनरेशन के काम भी किए जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के काम भी
उसी तरह उसी को इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ा के किया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इस पर होता तो शायद कुछ और ही बात होती, रोजगार भी मिलता, और रामलाल जी देखिए रोजगार को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन एक बात ये है कि ठीक है जब आप ये कहते हो कि अभी जैसा पैंडेमिक पीरियड था और इसके बाद हम निकले हैं इससे, तो जो जरूरी था तो बिल्कुल उसके लिए किया गया। हम स्वास्थ्य के सेक्टर को लेकर हेल्थ सेक्टर पर बात कर रहे हैं या वैक्सीनेशन को लेकर जो कहा दिया गया है परफेक्ट है कि ठीक है ये होना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिन राज्यों को एक्स्ट्रा दिया गया, जिन राज्यों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आई गई हैं, वो वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल इसको लेकर उठेगा और इसे आप नकार नहीं सकते। क्यों इनमें सिर्फ केरल नजर आया, पश्चिम बंगाल नजर आया, तमिलनाडु नजर आया, आसाम नजर आया? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप इस बजट को संपूर्ण दृष्टि से आप देखोगे तो संपूर्ण दृष्टि के अंदर वर्तमान परिस्थितियां जो है, वर्तमान परिस्थितियों के अंदर इससे बेटर बजट कोई आ नहीं सकता था। वर्तमान के अंदर जीडीपी 9.5% है, इस जीडीपी को कम करने के बाद भी कहेंगे कि हम 6.8 तक इसको लेकर आएंगे, 2025 तक इसको 4.5% जीडीपी क्या बोल रहे हो यार, रामलाल जी क्या बोल रहे हो, अरे सब झूठी सूची बातें कर रहे हो, 9.5% जीडीपी कौन सी दुनिया में, मनमोहन सिंह जी का समय नहीं है ये मोदी का समय है, मनमोहन सिंह जी का समय नहीं है, 9.5% जीडीपी क्या बोल रहे हो यार, स्टडी करके आया करो, घर में पढ़ा करो थोड़ा सा, किसको बोलते हैं 9.5% जीडीपी, क्या बातें कर रहे हो यार, कुछ भी बोलते रहते हो, मैं क्या करूं रफीक भाई, अरे पहले 9.5% पहुंचती, नरेंद्र मोदी का समय है, बेचने वालों का, देश को बेचने वालों का, देश नहीं बेचने का, उनका समय है, 9.5% जीडीपी हो सकते हैं क्या, सॉरी बोलो आपने 9.5% जीडीपी बोला, माफी मांगो आप, गलत स्टेटमेंट देते हो यार, आपने सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के आधार के ऊपर चलाने का काम किया है, पॉलिटिकली नहीं, हां ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे बात करते हैं, आपने भी बात करने का काम किया है, कोई बजट की बात नहीं कर रहे हैं, खाली तारीफ कर रहे हैं, आज होने के कारण ये राजनीति का ढांचा जीडीपी का 9.5% 2021 में था, अब 6.8% है, राजकोषीय घाटा जो डेटा ये दे रहे हैं मे बी ये प्रिज्यूम्ड है, इस साल की बात की जा रही है जो बजट लेकर, हां मैं ये कह रहा हूं जी कि 9.5% जीडीपी बोल रहे हैं और बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे को बोलने दो, अरे बात तो ऐसी करो जो सच हो, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मनमोहन सिंह जी होते तो ये कल्पना कर सकते थे कि 9% सपने देखना छोड़ दीजिए अब मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह जी नहीं है मेरे भाई, सपने देखना छोड़ दीजिए मनमोहन सिंह जी के, कोई जीडीपी में ग्रोथ होने की संभावना नहीं है, माइनस में जाएगी, बचा नहीं पाओगे देश को, जिस तरह का बजट लेके आ रहे हो जैसे जाना है, टैक्स लेवल कुछ नहीं हुआ, उनके लिए भी जो किया गया आईटीआर फाइल लेकर इसके अलावा भी क्या बोला कुछ और चीज करेक्ट होगा, इस बार टैक्स प्रोविजंस के अंदर ऑफकोर्स अनाउंसमेंट तो नहीं है, पर इन्होंने फेसलेस स्क्रूटनी पे और अपील्स पे काफ़ी ध्यान दिया है, स्क्रूटनी पहले फेसलेस स्क्रूटनी पहले चालू हो गई थी, अपील्स पे इन्होंने पूरा उसको फेसलेस करने की कोशिश करी है, और भी गवर्नमेंट से जो इंटरफेस है अपने एसएससीज का या कॉर्पोरेट्स का, उसको ज़्यादातर वो कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, एंड डेफिनेटली उसके पीछे इनका आइडिया है कि करप्शन कम हो, अनफॉर्चुनेटली अभी भी करप्शन फाइंड्स इट वे, लोग समहाउ रीच करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी रीच आउट करते हैं, दिस इज़ अ रियल ग्रिम फैक्ट। इसके अलावा इन्होंने जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए स्कीम रखी है वो सेटलमेंट इसके कमीशन पहले हुआ करता था, उसके लिए उसको रिप्लेस करके जो 50 लाख से कम के जिनकी इनकम्स हैं और जिनके 10 लाख से कम एडिशन हैं उनको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में ले जाके जल्दी करें, यानी इनका फोकस लेकर जो दिया गया क्या इसमें और कुछ भी किया जा सकता था, क्योंकि रेलवे का बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया है, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और एलोकेशन किया जा सकता था, वो हार्डली एक ऐसा राज्य जहां पर रेलवे का जो है वो नेटवर्क कमजोर है, वहां और एलोकेशन किए जाने की संभावना, देखिए प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रहा है ये क्या, ये समझता हूं ये ठीक है, रेलवे
रेलवे को, रेलवे को 110.55 करोड़ रुपए दिए रेलवे को। रेलवे का निजीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि उसका साइज इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे उसको थोड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन कब किया जाता है जब सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते और तब उन रिसोर्सेज की कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, देखिए अब बजट तो पेश हो चुका, बहुत सारी चीजें जो इस चर्चा के दौरान भी सामने आई क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले एक रिएक्शन साथ में ये भी कि 10 में से कितने नंबर आप इस बजट को देंगे फतेह सिंह जी? देखिए साहब, इससे ऐतिहासिक बजट इस कार्यकाल को देखते हुए पेश नहीं किया जा सकता। नहीं हो सकता, 10 में से 10 नहीं, 10 में से 10 11 दे दो यार, 10 ठीक नहीं है। मैं 10 में से 4 दूंगा क्योंकि पेंडेमिक के हिसाब से जो मेजर्स चाहिए थे वो नहीं आए, अब बस ऑर्डिनरी बजट के हिसाब से है, तो इसलिए मैं इसको 10 में से 4 देता हूँ। क्या कहेंगे सर इस बजट पर और नंबर कितने देंगे? 10 में ये बजट बैलेंस बजट लगा अभी तक, क्योंकि डिटेल्स अभी बाकी हैं देखनी, तो उस पर कह नहीं सकते, और 10 में से 7 नंबर में देते हैं। 10 में से 7 आप देंगे। भंवर सिंह जी, बजट ओवरऑल कैसा, क्या कहेंगे इस पर, और इसमें 10 में से मार्क्स कितने? 0 नंबर, 0 नंबर। 10 में 0, यानी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, महंगाई कम नहीं करोगे तो जनता जिएगी कैसे, रोजगार दे ही नहीं रहे हो, 27% की बेरोजगारी दर है आजकल, उसके लिए क्या कर रहे हैं मुझे एक बात बताइए, कुछ नहीं किया। गैस के आज कमर्शियल के 150 रुपए बढ़ा दिए, पिछले महीने 100 रुपए बढ़ा दिए, अरे भाई कर क्या रहे हो, दुनिया में दाम घट रहे हैं, यहाँ क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों मारे? लेकिन कोरोना के बदले तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, काला बाजारी का और बिल लिया है कृषि बिल जिसमें इन्हीं पूंजीपतियों के हवाले देश होगा, एफडीआई पूरी खोल रहे हैं उनके लिए ना, तो ये तो पूंजीपतियों का बजट है, गरीब आदमी की तरफ से तो 0 नंबर है, मतलब आम जन के लिए कोई कुछ भी इसमें नहीं है। की हालत देखिए, 5 लाख रुपए अगर बैंक में आपके जमा है तो मिल जाएंगे, और अगर आपने रिटायरमेंट का 20 लाख रुपया डाल दिया लाके और बैंक डूब गया तो आपके पैसे भी डूब गए, तो इस देश में कौन बैंकों पे विश्वास करेगा? ऐसी सरकार पहली बार आई है जब लोग बैंकों में पैसा नहीं डाल रहे हैं, हटा रहे हैं अपनी सेविंग्स को, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। सुना हो तो माननीय वित्त मंत्री, 5 लाख रुपए की गारंटी मैंने 50 लाख रुपए डाल दिया सर, सुनिए है वो बेच के और बैंक डूब गया, बैंकों से भी भरोसा खत्म, गारंटी दे रहा है आपने भाषण सुना है हमारी वित्त मंत्री जी का, उन्होंने कहा अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो रहा है तो उसका फंड हम रिलीज करेंगे, आप देखिए 5 लाख रुपए की गारंटी दी है, यस बैंक को बचाया है ना, यस बैंक को बचाया है, यस बैंक को किसने बचाया है? उसके लिए सरकार ने यस बैंक को बचाया है, ओवरऑल मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि सरकार चाहती तो सोप्स बांट सकती थी, पर सरकार ने सब्र रखा और सोप्स नहीं बांटे बल्कि अर्थशास्त्र की तरफ और अच्छी इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान दिया। 10 में से 7 आप 7 पिछले बजट का क्या हुआ वही देख लो, 22 लाख करोड़ का वो आज तक एक हेल्थ सेक्टर को छोड़ के इन्होंने किसी पे ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया हेल्थ सेक्टर में। जरूर इन्होंने एक कायदे से इनको ये चाहिए था कि ऐसे टाइम पे जब वैक्सीनेशन की आम आदमी को जरूरत है तो इनको ये घोषणा करनी चाहिए थी कि हम आम आदमी को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देंगे, वो काम इनको करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। एक सर्टेन बजट की घोषणा की, अमाउंट बढ़ाया, कहाँ खर्च करेंगे अभी कोई खुलासा इसका है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ में इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा करके एक अच्छा मैसेज दिया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, जैसा ये गैस की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, इस सब पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आम आदमी, अगर अपन यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई भी आदमी ऐसा ये गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरे को इस बजट से ये फायदा हुआ, तो इसका मतलब बजट आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी की अप्रोच से दूर रखा गया है बजट, कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाया गया बजट है, या थोड़ा बहुत इंफेसाइज इन्होंने वहाँ किया जहाँ आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनावी बजट ऐसे टाइम पे देश के प्रधानमंत्री को, देश का प्रधानमंत्री है, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश में है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पश्चिम बंगाल में नहीं है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ जहाँ जहाँ इलेक्शन होना है वहाँ नहीं है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ है जहाँ इसकी जरूरत है, आबादी के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, लोगों की जनसंख्या के आधार पे बजट देना चाहिए था। सरकार अच्छा बजट देने में विफल रही, नंबर देने की पोजीशन नहीं है, जो अच्छा काम किया वो बता रहा हूँ आपको, 10 में से आप 1 हटा दो तो उसी के आधार पे बजट। लेकिन अभी आपने कहा पेंडेमिक हैंडलिंग में सफल रही है, लेकिन अभी आपने कहा कि हेल्थ और हमारी इज्जत बढ़ाई है पेंडेमिक हैंडलिंग में, पेंडेमिक हैंडलिंग में अभी आपने कहा राजस्थान सरकार ने जो काम किया है, सुनिए सुनिए सर, अभी आपने कहा कि हेल्थ सेक्टर में अच्छा किया, अच्छा काम नहीं किया तो 10 में से 0 1 क्यों 0 का लीजिए। हेल्थ सेक्टर में मैं
पॉइंट देता अगर वो ये अनाउंस करते कि हम पूरे देश की जनता को फ्री वैक्सीनेशन देते हैं, तो मैं इस बात को बहुत आगे होके बहुत इसकी तालियां बजाता कि फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश की जनता को मिल रही है, अमाउंट दिया है, पैसा दिया है, पैसे का कहां खर्च करेंगे इसका अभी कोई खुलासा नहीं है। इनको इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, प्लेटफॉर्म देना चाहिए था, प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। ओवरऑल बजट को लेकर 10 में से कितने मार्क्स देंगे ये भी रामलाल जी, सुनिए सुनिए सर, सुनिए रामलाल जी घोषणा कर देते कि पूरे देश रामलाल जी रफीक जी फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा। रफीक जी एक मिनट, रामलाल जी सुनिए जी, रफीक भाई ने ये बात तो जी श्वेता जी रफीक जी ने ये बात तो स्वीकार की है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर बजट का आकार बढ़ा कर दिया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, तो इस बात के लिए तो रफीक भाई को धन्यवाद। लेकिन दूसरी चीज श्वेता जी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान को हिस्सा दिला दिया, 4% सेस को रिजर्व करने की बात की गई कि इनसे जो पैसा आएगा वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर खर्च करने का काम करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने पहली बार आधारभूत ढांचा को विस्तृत रूप से बढ़ाने की जो बात कही गई है उसका भी ये स्वागत योग्य है, और इन परिस्थितियों के अंदर इससे बेटर बजट आ नहीं सकता था। और जिस तरीके से पहली बार उज्ज्वला योजना के तहत भी 1 करोड़ और निःशुल्क गैस वितरण करने की जो बात कही गई है वो भी स्वागत करने योग्य है, और जिस तरीके से पहले ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन की बात कही गई थी, अब अर्बन क्षेत्र के अंदर इन परिस्थितियों में सबसे बेटर बजट है। अच्छा सुनो, 10 में से 10 एक सेकंड बंद होते बोली जल जीवन मिशन की बात। जल जीवन मिशन में 2019 में प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा करी 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दूंगा, और जब 2020 बजट आया तो जल जीवन मिशन में दिए 11.5 हजार करोड़ रुपए, और आप कह रहे हो जल जीवन मिशन, बातें कहां कर रहे हो, अकेले राजस्थान को 1.25 लाख करोड़ रुपए चाहिए जल जीवन मिशन में, आप खाली घुमा फिरा के बातें करते हो। राजस्थान की सरकार जल जीवन मिशन के पीछे गाड़ कर बाबा लूट रही है, ये मत बोलो रफीक भाई, राजस्थान की सरकार से आप बोल रहे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रफीक जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बजट तो पेश हो गया, बजट पेश हो गया, बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और देखिए जैसे चर्चा में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई है कि जो प्रायोरिटी बेसिस में था उसके लिए किया गया, हेल्थ सेक्टर उसमें शामिल है, कोविड को लेकर जिस तरह से अनाउंसमेंट किया गया वो शामिल है, लेकिन इंतजार था कि फ्री वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ कहा जाए वो नहीं कहा गया, इसलिए कहीं ना कहीं नाराजगी रफीक खान जी की इसमें नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम है कि हर एक सेक्टर को छूने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उम्मीद जब बहुत ज्यादा होती है और जब पैंडेमिक से निकल कर आए हैं तो क्या वाकई में सबको कुछ करना मुमकिन था, नहीं था, और ये हर बार भी नहीं होता है, और इस बार का बजट तो अलग ही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कड़वे घूंट आम आदमी को जरूर पीने पड़े हैं, सैलरी क्लास को पीना पड़ा है, जो उम्मीद छोटी छोटी लगाकर रखा था लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो दो तरह से बजट को देखा जा सकता है कि फौरी तौर पर राहत क्या मिल रही है वो नजर नहीं आती तो लगता है कि नहीं बजट अच्छा नहीं है, लेकिन अगर विजन के तौर पर देखें, दूरदृष्टि से देखें, तो कुछ चीजें लग रही है क्या अभी नहीं लेकिन बाद में ठीक होगा। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि बजट को लेकर रिएक्शन अलग अलग है, और हालांकि आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत बिग फाइट में, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वो ठीक है लेकिन वो जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हो, काम हो, वो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।